को फांसी दी जानी थी तो उससे पूछा जो राजा था उसने कहा आप बताओ अगली बार तो गलती नहीं करोगे इस बार तो फांसी दी जाएगी तुम्हें तो बोले अगली बार मैं संकल्प करता हूँ कि गलती करूँगा पकड़ा नहीं जाऊंगा आपकी थोड़ी सी असावधानी हो गई अगली बार सावधानी से गलती करूंगा और इस बार तो मैंने थोड़ी देर से गलती की अगले बार जल्दी गलती चालू करूँगा लेकिन स्तोप देश में बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अज्ञानी की उपासना करोगे तो अज्ञान मिलेगा और ज्ञानी की उपासना करोगे तो ज्ञान मिलेगा जिसके पास जो होगा वही देगा कहते हैं कोयले की कोठरी में कितनों से जाए एक दाल लागे पर लागे जरूर है एक दाग तो लगेगा ही यदि तुम कभी भी कामी भोगी व्यस्तियों के पास बैठोगे तो कोई ना कोई चर्चा ऐसी निकल जाएगी कि तुम्हारी वाणी भी विकृत हो जाएगी इसलिए पहले हम अपने बुज़ुर्गों के पास बैठाते थे बच्चों को आपने देखा हो बड़े बुजुर्ग बच्चों को लिए बैठे रहते थे वो नानी दादी की कहानियाँ सुनाती थी वो लोग बड़े लोग कहानी सुनाते थे प्यार ममता थी तभी बच्चों में सहनशीलता थी क्योंकि उन्हें हृदय का प्यार मिलता था पहले हम बच्चों को पढ़ाते थे एक दो तीन चार करो सभी से प्यार आप पढ़ा रहे हैं वन टू थ्री बाप बेटा फ्री किसी की कोई सुनने को तैयार नहीं है ये शिक्षा दी जा रही है पहले हम पढ़ाते थे का गा यानि का से कमाओ खा से खाओ और घा से गीत गाओ और गा से घर बनाओ आजकल भी पढ़ा रहे हैं लेकिन उल्टे उद्देश्य अलग हो गए कहाँ से कर्जा लो कहा से खा जाओ और घास से गायब हो जाओ और घास से कोई आए तो घुर रहा हो ऐसी शिक्षा दे रहे हैं मन उद्देश्य हमारे बदल बदल गए पहले का से कमल पढ़ाते थे अब का से कैट पढ़ा रहे हैं पहले रा से रथ पढ़ाते थे अब रा से रेट पढ़ा रहे हैं आप सोचिए कहा है परमात्मा का नाम लेने वाला स्वान भी देवता हो जाता है परमात्मा की सच्ची उपासना मरते टाइम तड़पते टाइम भी एक आस्था जय लोग आप कहते हैं हम लोग पढ़ते ना कि ये नाग नागिन अधो लोक स्वामी हरो मान तू दैत्य को हो अकामी किसी से पूछो बोले भगवान ने नमोकार मंत्र सुनाया था उन्हें अरे भगवान ने नमोकार मंत्र सुनाया अभी हो तो आप भी बताओ हम कोई कोई कन्नड़ भाषा में कुछ सुनाएगा तो हमें समझ में आएगा क्या जानवर को नमकार मंत्र क्या समझ में आया होगा लेकिन सच्चाई ये थी कि भगवान इतनी सकारात्मक ऊर्जा के कहना चाहिए पावर हाउस थे जिन्होंने पूर्व जन्म में भी धर्म आराधना की थी स्वर्गों में रहकर भी परमात्मा बनने की भावना बनाई थी और सच पूछो तीर्थंकर प्रकृति लेकर आए थे जो वो दहे में अभी नहीं आई लेकिन लेकर आए हैं सूरज आने के पहले जैसे प्रकाश आ जाता है इसी प्रकार से प्रभा पुंज थे और आप सबको पता उनकी जात की उसकी परमाणु में अंतर हो गया उसकी ऊर्जा चार्ज हो गई हम भी अब हम लोग क्यों हमेशा अच्छे लोगों के पास बैठे आजकल डॉक्टर डॉल्फ किलियान बड़ी बड़ी फोटोग्राफी चल गई कि आप यदि सद विचारों से भरते हैं तो वो यंत्र बता देता है कि आपके शरीर से जो वेव निकल रही हैं जो रेंज निकल रही है वो ऐसी सीधी निकलती है और यदि आपके कुत्सित विचार हैं तो वो मशीनें पकड़ लेती हैं कि आपके शरीर से जो ऊर्जा निकल रही है वो ऐसी निकल रही है जैसे पागल व्यक्ति ने टेढ़ी मेढ़ी लाइने खींची ये तो इतना प्रभाव है सिर्फ बाहर का हमारा आभा मंडल भी ये बता देता है इसलिए जब पारस कुमार उनके पास गए होंगे नाग नागिनी के पास तो उनको देखते ही उनकी सकारात्मक ऊर्जा उनका आभा मंडल इतना सशक्त था कि उसकी आभा मंडल में परिवर्तन हो गया होगा आपने देखा कभी कोई आपसे आके मिलता है कभी लगता है ना ये थोड़ा चला जाए इससे बात नहीं करना पड़े और कभी किसी के पास बैठते हो तो उठने का मन नहीं करता है क्यों नहीं करता है क्योंकि रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे उन्हीं जैसी चरिया में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे अमेरिका की लेबोरेटरी में भी परीक्षण किए गए हैं कि जब आप किसी सकारात्मक व्यक्तियों के बीच बैठते हैं तो आपके 1500 सौ व्हाइट सेल 10 मिनट में बढ़ जाते हैं यानी कम और जब आप किसी खराब व्यक्ति के पास चोर लुटेरे हथियारों के पास बैठते हैं तो आपके 1500 सौ वाइट सेल में से 500 सौ व्हाइट सेल दस मिनट के अंदर कम हो जाता है यही तो हमारे आचार्यों ने कहा था कि मंदिर में आकर शुभ परिणामों के साथ आना तो तुम्हारे हर काम बन जाएंगे कभी कभी लोग कहते हैं भगवान से मोक्ष मांगेंगे तो भगवान मोक्ष दे देगा हमने कहा एक कदम बढ़ाओ एक बीज यदि दूसरे बीज की पूजा करे तो बीज वृक्ष नहीं हो पाएगा लेकिन उस प्रक्रिया को अपनाए उसकी तरह वह गल जाए मिट जाए अंदर चला जाए उसके बाद देखने तक नहीं आए यदि कोई बीज डाल दो और वो बीज रोज सोचे कि देखूं कितना निकला देखूं कितना निकला आया कि नहीं कुछ आया उस बीज को रोज़ निकाल कर देखोगे तो क्या होगा कभी भी वृक्ष होगा क्या नहीं होगा लेकिन बीज को डाल दो और उसके बाद छोड़ दो समय पर पानी आदि देते रहो भूमि शुद्ध दो तो एक दिन वृक्ष आ जाएगा और वृक्ष की जड़ें जितनी नीचे होंगी पौधा उतना ही ऊपर जाएगा हमारी जड़ें तो खोखली हैं समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार से बीज के बिना वृक्ष नहीं होता है इसी प्रकार से हमारे सम्यक दर्शन रूप बीज के बिना ज्ञान और चारित्र भी नहीं हो सकता है सम्यक दर्शन के लिए क्या है हमें श्रद्धांत तो पहले ये करना होगा कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है उस स्वरूप के प्रति हमारा आकर्षण है या नहीं अभी तक तो सच पूछो मंदिर में भी आते तो लोग कहते हैं यदि बेटा हो गया तो छत्र चढ़ाएंगे हमने कही बेटी हो गई तो क्या उतार के ले जाओगे कभी कभी लोग कहते दुकान अच्छी चली तो सौ रुपया गुल्लक में डालेंगे हमने कही नहीं चली तो क्या निकाल के ले जाओगे अरे भगवान को कभी घूस मत दो क्योंकि लोग उम्र भर के लिए तिजोरियां जोड़ते हैं लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता ये तो संसारी लोग हैं चांदी का जूता दिखाइए और जो चाहे अपना काम बनाइए परमात्मा को रिस्पत मत देना परमात्मा को दो दिल देना सच्चा दिल देना तो तुम्हारे काम अभी बन जाएंगे इसी वक्त हो जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाए अभी सिर्फ हम शब्दों से कहते हैं कभी कभी लोग हमें कहते हैं माता जी भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान बन जाएंगे उनके प्रसाद से बन जाएंगे हमने कहे उनके प्रसाद से नहीं हम अपने प्रयास से परमात्मा बनेंगे क्योंकि यदि कोई परमात्मा में खुश होकर कोई चीज़ दे देता हो तो नाराज़ होकर छीन लेगा यदि वो आज हमें मुक्ति अपने आशीर्वाद से दे दें किसी दिन गलत करेंगे तो ले भी लेंगे वापस लेकिन नहीं हम प्रयास से अप्रमाद से अभी तक हमने जिंदगी प्रमाद में गुजारी है एक बार प्रसन्नता में गुजारो प्रसन्न भाव में गुजारो प्रसन्न भाव का मतलब है शांत भाव बिल्कुल आनंद का भाव मंदिर में लोग आते हैं ऐसे मायूस आते हैं जैसे लड़ झगड़ के ने मार पीट के भेजा हो आप देखना मंदिर आते हो तो कहते हो हम घर पे कह के आते हो कि बस जा रहे अभी आए लेकिन मंदिर में कभी कह के जाते हो कि गए और अभी आए जबकि कहा है तन का काराग्रह बनीता भीड़ी परिजन गए रखवारे क्या कहा तन काराग्रह आयु जब तक है तब तक इस जेल में रहना ही पड़ेगा तन का राग रहे बनिता बेड़ी स्त्री को बेड़ी कहा है लोग कहते हैं उसके फेरे पड़ गए हमने कि फेरे नहीं पड़ गए वो फेरे में पड़ गया कहाँ गए थे कितना खर्च करके आए थे किसके साथ थे वो सारा पता लगा लेती है लेकिन ऐसी बात नहीं है लोग कहते हैं पत्नी का अग है हमने कहा दूसरी जगह ये भी तो लिखा है निजी विन नारी सो रहे विरक्ता कह दिया कि अपनी पत्नी के साथ सदार संतोष व्रत है तेरा तू व्रती है यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे यदि पत्नी के साथ भी तेरा एक उद्देश्य है कि मैं धर्माचरण करूं अपनी संतान को सत पर, पर चलाऊं तो तेरा ग्रस्त आश्रम इसलिए पुनीत नहीं हुआ ग्रस्त आश्रम है लेकिन क्यों पावन हो गया क्योंकि तेरी संतानों के द्वारा इन धर्म की परंपराएं अभी कई हजार वर्ष आपको पता है चलानी है अठारह हजार वर्ष तो चलानी चलानी है लेकिन आज हमें इसका तो बहुत ख्याल रहता है कि बेटा क्या बन जाए लेकिन इसका ख्याल नहीं रहता है कि बेटा यदि संत नहीं तो सदग्रस्त बन जाए आजकल छोटे छोटे बच्चों को आप टीवी के आगे डाल देते हैं मोबाइल दे देते हैं लोग कहते बच्चा मोबाइल से ही खेलता है हमने कहा जिसकी जड़ खोख ली होगी तो पौधा क्या खड़ा होगा और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका तुमने जब यही प्रार्थना की है ऐसी कामनाएं की ऐसी वासनाएं की तो बच्चा मंदिर क्या आएगा आपने यदि शादी के समय बच्चों को शिक्षा दी होती कि बेटा तुम्हें एक जीवन में प्रवेश तो कर रहे हो लेकिन धर्म पत्नी कही है हमारे यहाँ अकेली पत्नी नहीं कही है तो ध्यान रखना पत्नी अकेली पत्नी पतंग की तरह कटी पतंग की तरह तुम्हें कहाँ गिरा देगी पता नहीं चलेगा आप चंद्र न खा न नखा आप सबको पता होगा उसकी एक वासना ने उसके पति को मरवा दिया और कहना चाहिए उसके पितृकुल को समाप्त कर दिया रावण की बहन तो थी एक जरा सी चिंगारी ने और इधर सीता अधिक ने आपने पिता को क्या उच्च कुल में घोषित कर दिया क्योंकि कहते हैं बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए और नाम कमावे माई बाप को दिस बनाई होए